चाहता हूं कि जो आज आपने जो मुजाहरा किया है, जब मैं सेक्रेटरी में था तो किसी डिस्ट्रिक्ट का काम होता था। वक्त आने वाला है जहां लंबी तकरीरें करने का टाइम होगा, वहां हम घंटा घंटा करेंगे। तो मैं इसके बाद रिटायर्ड हेडमास्टर मोहम्मद शरीफ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर आए और एक मिनट में अपने दरी ख्याल रखें। रिटायर्ड हेडमास्टर मोहम्मद शरीफ साहब, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। शहनाज गनाई, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। एक आखिरी नारा, दोनों हाथ खड़े करके मेरा जवाब देंगे। डॉक्टर शहनाज गनाई, शहनाज गनाई, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। शहनाज गनाई, कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। हम लोग खून का कतरा भी देने के लिए आपके तैयार हैं। बस सलाम सुना, मैं मेरी बड़ी बहन डॉक्टर शहनाज गनाई साहिब जी, मेरे बड़े भाई अफताब गनाई साहिब जी, दूर इलाका याद से आए हुए मेरे तमाम बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी बहन, और पास मेरी माँ और मेरी बहने, तमाम इलाका याद से आई हुई सबके लिए मेरे दिल में प्यार और मोहब्बत है। आज हम डॉक्टर साहिब के बहुत बड़े शुक्रगुजार हैं, क्योंकि इन्होंने हमेशा जब भी कोई बात की, लेडीज का मुद्दा सबसे पहले उठाया। जब कभी भी कोई भी बात हुई, इन्होंने औरतों की हमारी अमान को ये पता चल गया है, जाग गई है कि हमारी अच्छी रहने वाली, हमारी पुंछ को तरक्की में काम काम करने वाला, हमारी पुंछ के गरीब आमों का सच्चा दोस्त गणेश साहब के जाने के बाद उनकी बेटियां जब एमएलसी बनी, आप सुनते होंगे यहाँ से 5 एमएलए एमएलसी थे, पर एक ये हमारी बेटी असेंबली में हमारे लिए लड़ती रही, बाकी किसी आदमी ने कोई आवाज नहीं उठाई। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि आप मुदाज हैं, आपकी जो ये जरूरत है ना, इसको देखकर बहुत सारे लोग आपको आएंगे, बहुत सारी बात दिखाएंगे आपको। 47 साल का 72 साल हो गए हैं, हमारी पुंछ की हालत यह है भैया कि पुंछ में दरिया लेकर हमारे घर में पानी, दूसरों का पर मुकदमा हमारे लोग पेमेंट करते हैं, किसी आदमी ने गौरा नहीं किया यहाँ मेरे वैसे के वहाँ गणेश की बेटी के बिना के कोई असेंबली में हमारी बात उठाए। हमारी बिजली की क्या हालत थी, किसी ने गौरा नहीं किया। गणेश साहब जब बने, ये टावर जो लगे थे गणेश साहब की देन थी, उसके बाद 1892 में टावर जो बह गए, आज तक आप देखोगे हमारे टावर, हमारे बिजली की क्या हालत है। मुझे खुशी है कि आज आप जागे हो, अगर जागे हो इसी तरह से आगे बढ़ो, और ताकि हमारी पुंछ की तरक्की हो। बिना मजबा मिलत हमें अपनी पुंछ की तरक्की चाहिए, हमें पुंछ से वो मिनिस्टर चाहिए, मिनिस्टर चाहिए हमें, एमएलए आते पहले मिनिस्टर हम लड़के लेंगे, जो हमारी पुंछ का काम करेगा, जो हमारे गरीबों की रहनमाई करेगा, जो हमारे का दुख, हमारे गरीबों के दुख दर्द में पहुंचेगा। साथियों, में ज्यादा में बोलता हुआ क्योंकि और भी बोलने वाले हैं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा। शेरे कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जब 1976 में इकतदार संभाला तो हवेली में उनको नजर गुलाम अहमद गनाई पर पड़ी। उनके दिमाग में यह सोच थी कि सिर्फ गनाई साहब ही इन गरीब आवाम की खिदमत कर सकते हैं, और उन्होंने इन पर भरोसा किया और इन्होंने खिदमत खलक का भेड़ा उठाया।
और 96 तक का हयात तब उन्होंने लोगों की खिदमत की। अब डॉक्टर साहब मैंने जो फैसला लिया है मैं तो इसको बड़ा जरूरतमंद ना फैसला समझता हूँ। आप ये तफसील बताएंगी कि इन्होंने ये फैसला क्यों लिया इस वक्त रियासत जम्मू कश्मीर की सियासी हालात के मुताबिक। और इंशाल्लाह मैं तो बहुत ये देखकर हैरान हूँ कि नौजवान सब इधर हैं तो प्रेसिडेंट उधर है, ये भी एक कमाल अजूबा है। बहरहाल मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जिस समत आप जा रहे हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह कामयाबी की समत आप जा रहे हैं। हमें पार्टी से कोई तल्लक नहीं है, हमें कैंडिडेट से तल्लक है। जो कैंडिडेट ऐवान में जाकर गरीब अवाम के और इस भाईचारे को कायम रखने की सलाहियत रखता हो, हम देखेंगे। एक नाकस सियासत का नतीजा हमारे सामने है। यूनिवर्सिटी कम्प्लेक्स करोड़ों रुपए वहां खर्च के आज वो मटेरियल सड़ रहा है वहां, ये हमारी नाकस सियासत का ही नतीजा है। बहरहाल हम लोगों को ये सोचना चाहिए अगर हम एक साल एक सेब का पेड़ लगाते हैं और हम ये चाहते हैं कि ये फल देगा, लेकिन जब वो फल देता है उसका फल फीका होता है, फिर हम आइंदा बहार में फिर वही उम्मीद रखें नीचे अब ये मीठा फल देगा, वो नहीं दे सकता मीठा फल, इसलिए हमने पेड़ को बदलना है। मेरी ये आपसे गुजारिश है कि आप सही सिमत जा रहे हैं और डॉक्टर शहनाज गनाई साहब का फैसला आपने लेना है, किस पार्टी में जाएंगे, आपने क्या करना है, आपने लोगों को चलाना है, हमें आपसे बात किल्लत है। रामा इकबाल ने कहा है खुदी को कर बलन इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। डॉक्टर साहिबा मरहूम गुलाम अहमद गनाई साहब और आपकी वालदा मोहतरमा को हम ये खराज तहसीन पेश करते हैं दिल की गहराइयों से। दवा गो है गनाई साहब के लिए कि उनके हाँ एक ऐसी बेटी को जन्म दिया है जिस बेटी ने ये तैयार कर लिया है कि हवेली कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों की तकदीर मैंने बदलनी है। सियासी तजर्बा और सियासी बसीरत के हिसाब से जम्मू कश्मीर की सियासी सूरत हाल को देखकर आपको पता है इन्होंने एक बहुत बड़ा बोल्ड फैसला लिया है। मेरे सोच से आपकी सोच से ऐसा ना हो आप मुझसे सहमत रहो। तकरीबन 1976 से लेकर 2019 तक साथियों से चाहती हूँ जो आज के मौके पर मैं चाहती थी वो बात रखे, और क्योंकि आज जुमा है और नमाज का वक्त बहुत नजदीक है वो सब साथी अपने ख्यालात नहीं रख सके। इंशाल्लाह रहमान आज जो आपने यहाँ आकर एक छोटे से नोटिस पे एक फोन कॉल पे आप सब यहाँ दूर दराज इलाकों से आए, बावजूद इसके कि आज मुझे मालूम है सावन का महीना है और लोग ज्यादातर ढोकों में है, उसके बावजूद आप दूर दराज इलाकों से आज यहाँ आए और मेरी हौसला अफजाई की, इसके लिए मैं दिल से आपकी मशहूर हूँ और आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। इंशाल्लाह आपके जज्बात मैं बेहतर तरीके से समझती हूँ और जानती हूँ, और बहुत जल्द हम एक बहुत बड़े जलसे का इंतजाम करेंगे और एहतमाम उस जलसे का पुंछ हेडक्वार्टर पे करेंगे इंशाल्लाह, और उसमें आप सब तमाम मेरे बुजुर्ग मेरे नौजवान भाई मेरी मां बहनों को अपने ख्याल रखने का इंशाल्लाह एक अच्छा मौका फराहम होगा। आज मैं नहीं चाहती कि इस गुनाह में हम शरीक हों कि हमारी देरी की वजह से किसी की जुमा की नमाज जाए, इसलिए मैं भी मुख्तसर अल्फाजों में अपनी बात आपके सामने रखूंगी। आज काफी अरसा के बाद मैं पूंछ आई, मुझे याद है जब हमारी आखिरी मुलाकात मेरी अपने साथियों से रही तो वो सब साथी यही जानना चाहते थे कि हमारा क्या फैसला है। मैं जिस जमात से ताल्लुक रखती थी आप जानते हैं उस जमात के साथ वाबस्तगी सिर्फ मेरी नहीं थी, मेरे खानदान की एक बहुत बड़ी वाबस्तगी थी। मेरे मरहूम वालिद और उनके साथियों ने बहुत कुर्बानियां देकर उस जमात को इस इलाके में जिंदा किया और चलाया, और शायद जब मेरे वक्त की बात आई मैंने भी उस जमात में इसीलिए शमूलियत की कि मुझे लगा कि वो हमारे ही घर का हमारे ही खानदान का एक सियासी खानदान का बड़ा हिस्सा है, उसी जमात में रहकर शायद मैं अपने इलाके की अपने लोगों की खिदमत कर सकूं। लेकिन मुझे अफसोस रहा बहुत सालों तक हमारे घर आने को मौका नहीं मिला। 1995 में मरहूम गनाई साहब इस दुनिया से चले गए, 96 में सियासी एक इलेक्शन बहुत दौर के बाद आया, 79-80 के बाद 99-90 के बाद, और जब
गनई साहब नहीं रहे तो हम बहुत छोटे। उस वक्त एक ऐसा फैसला जमात ने लिया जिस फैसले को हमारे घराने को भी मानना पड़ा बावजूद उसके कि हमारे घरों के रिश्ते उससे खराब हो गए। लेकिन मेरी वालदा ने, हम बहुत छोटे थे, उन्होंने कहा जमात का ये वादा है कि आप बच्चों को जब आप बड़े उस काबिल बनोगे आपको जरूर लोकल इस इलाके की नुमाइंदगी का मौका दिया जाएगा जैसे आपके मरहूम वालिद ने किया, आपको भी दिया जाएगा। तो आप ये 6 साल के लिए जो अमानत है ये अमानत किसी और के यहाँ भेजिए। चलिए हमने उस बात को भी माना और जब वो अमानत गई सब चले गए, मेरे वालिद भी चले गए और उस वक्त जो इक्तदार में आए वो भी इस दुनिया से चले गए और हमने भी जाना है। सच्चाई यही है कि हमने भी जाना है। मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ कि उस वक्त मैं और मेरी बहन थी, हम जम्मू के क्वार्टर में थे तो वहां आके मरहूम जान साहब और उनके साथ मरहूम सदीक साहब थे, ये कमलजीत सिंह साहब बैठे, इनके दोस्त रहे सदीक साहब और गनई साहब के साथ भी उनका बड़ा पुराना साथ रहा। वो आए निकलते वक्त उन्होंने कहा कि 6 साल के लिए मेरे पास ये अमानत है, आप बच्चे जब उस काबिल होंगे इंशाल्लाह ये अमानत जो है ये गनई साहब के घर को वापस मिलेगी। और एक कफील अरसा गुजर गया उस इंतजार में हम रहे कि हमें कभी पुंछ के लोकल नुमाइंदगी का मौका मिले। मुझे एक मौका जरूर जमात ने दिया MLC बनाने का, मैं शुक्रगुजार रही उनकी कि कम से कम अपने सियासी प्लेटफॉर्म पे एक पटरी पे तो लाया जिन लोगों के साथ हमारे पुराने रिश्ते रहे और वो कड़ी टूट गई थी, कम से कम वो कड़ी जोड़ने का एक मौका मिला। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि उन 6 सालों में मैं पुंछ के लिए, खासतौर पर पुंछ मंडी के इलाके के लिए जिसके लिए मेरे दिल में हमेशा दर्द रहा, जिस इलाके के लिए मैंने ये कुर्बानी दी कि मैंने गजरेट अफसर की नौकरी छोड़ी और ये सोचा उस वक्त शायद सियासत में बेटियों का आना बहुत कम देखा जाता था और किसी खातून का इस पर पीर पंचाल के खिते में सियासी शोबे में सामने आना तो मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा चैलेंज के तौर पर देखा जाता था। जब पहली बार नौकरी छोड़ के जमात से मैंडेट मांगा मुखालफिन ने कहा ये बेटी है, बेटी इन इलाकों में नहीं चल सकेगी, बेटी स्टेज पे माइक लेके बात नहीं कर सकेगी, बेटी पहाड़ियों में नहीं जा सकेगी, बेटी पुलिस और आर्मी से बात नहीं कर सकेगी, बेटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर से बात नहीं कर सकेगी, बेटी शायद लोगों की मुश्किलें नहीं समझ सकेगी। लेकिन अल्लाह का करना MLC बनने के बाद कम से कम लोगों के बीच में जो ये खदशात थे कि बेटी जो है वो कहीं बात नहीं कर सकेगी तो अल्लाह ने ये किया कि बेटी के हाथ में हमेशा माइक रहा और हर प्लेटफॉर्म पे जहां अल्लाह ने मुझे मौका दिया चाहे वो उस मौके तहबान में दिया या आपके बीच दिया, मैंने अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ कभी मौका नहीं गवाया कि मैं अपने लोगों की खिदमत कर सकूं, अपने इलाके की बात कर सकूं कि हमारे इलाके की फला बहबूदी कैसे हो, हमारे इलाके की तरक्की कैसे हो और हमारे इलाके का जो नौजवान है उसका मुस्तकबिल कैसे रोशन हो, उसके लिए मैंने हमेशा कोशिश की। लेकिन मैं जानती हूँ और आपके सामने वाजह तौर पर यह कहना चाहती हूँ, इस बात का एतराफ करते मुझे कोई बुरा नहीं लग रहा कि जिस तरह से मुझे आपकी खिदमत करनी चाहिए थी और जो मैं करना चाहती थी उस 6 साल MLC बन के दौरे में मैं नहीं कर सकी, उसकी वजूहत है क्योंकि MLC मैं जरूर बनी लेकिन मैं सिर्फ पुंछ हवेली मंडी के इलाके से नहीं बनी और ना ही इस पुंछ जिला की सीट जो रिजर्व सीट है MLC की उस सीट पे कभी नहीं बनी। मुझे जब बनाया गया मुझे भी एक इलेक्शन में डाला गया, अल्लाह ने उस इलेक्शन में भी मदद की, वो जम्मू कठुआ सांबा डोडा किश्तवाड़ से लेके राजौरी पुंछ तक का इलेक्शन था जिस इलेक्शन में 10 जिला थे और 66 ब्लॉक से मुझे पंचायत मेंबरों ने वोट डाल के उस इलेक्शन में कामयाब किया। लेकिन मेरे दिल में हमेशा ये तड़प रही कि जब मुझे नुमाइंदगी का मौका मिले तो अपने इलाके से मिले और मैं अपने इलाके की खिदमत कर सकूं क्योंकि मैं जानती हूं ये वो इलाका है जो बॉर्डर का है, हमारी मुश्किलें अलग किस्म की है, हमारी परेशानी अलग किस्म की है, यहां जब तक मुझे लोकल नुमाइंदगी का मौका नहीं मिलेगा तब तक शायद मैं आप लोगों की वैसे खिदमत नहीं कर सकूंगी जिस खिदमत के लिए मैं सियासी शोबे में आई, जिस खिदमत के लिए मैंने ये कुर्बानी दी कि अपनी जवानी में पढ़ाई लिखाई करने के बाद इतनी अच्छी मुलाजमत करने के बाद वो सब मैंने छोड़ के ये सोचा कि मैं अपने आप को अवाम के लिए सर्व कर दूं, अपने आप को पुंछ के लोगों के लिए सर्व कर दूं और कोशिश करूं कि जैसे मेरे वालिद ने इस खित्ते की, इस गरीब अवाम की खिदमत की, मुझे भी अल्लाह ताला वैसा मौका दे। और जब ये वक्त नजदीक आने लगा, बात चलती रही कि इलेक्शन, सरकार गिर गई और असेंबली का इलेक्शन दोबारा आएगा,
वक्तन फवक्तन मैंने हमेशा बात की और कोशिश की। आप जानते हैं जिस फैसले के बाद आज मैं आप सबके सामने हूं, मेरे लिए वो फैसला करना कोई आसान फैसला नहीं था, मेरे लिए वो बहुत ही मुश्किल फैसला था। मैं चाहती थी कि मैं आपका असेंबली का इलेक्शन उसी जमात से लड़ूं जिस जमात की आबियारी, जिस जमात को बनाने के लिए मेरे वालिद ने अपनी जिंदगी, अपना खून, अपना पसीना बहाया। मुझे भी वही जमात सामने लाए ताकि मेरे वालिद की रोए भी वहां देखे। क्या आज मेरी बेटी ने उस जमात का दामन थाम के उसी तरह से लोगों की खिदमत करने की कोशिश की जैसे मैंने की? और मेरे वालिद के बस साथी बहुत सारे चेहरे आज यहाँ नहीं है, वो भी उन्हीं की तरह इस दुनिया से चले गए। कोशिश मेरी रही, आखिरी तक मैंने ये कोशिश की और जमात से भी यही कहा। मैंने कहा मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, ना ही मैं किसी की नुक्ताचीनी करूंगी, क्योंकि नुक्ताचीनी करना सबसे आसान काम है। मैं सिर्फ आपसे ये गुजारिश करती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को इस जमात का हिस्सा समझती हूँ। मेरे वालिद ने इसके लिए कुर्बानी दी, उनके साथियों ने इसको मिलकर बनाया। मैं नहीं चाहती ये जो इतना बड़ा असासा है, जो एक एक मोती पिरो के उन्होंने ये माला बनाई, आज ये माला बिखरे। आप मुझे एक मौका दें, वो इसलिए दें क्योंकि पुंछ की आवाम, पुंछ की मेरी माए बहने, पुंछ के मेरे ये बुजुर्ग, मेरे नौजवान भाई से मेरा वादा है कि जब भी असेंबली का इलेक्शन होगा इंशाल्लाह मैं भी एक कैंडिडेट के तौर पर आपके सामने आऊंगी। आप मुझे वो मौका दें, मैं अपने लोगों के बीच जा सकूं और उनकी खिदमत कर सकूं। लेकिन मायूसी की बात यह है, मैं समझती हूँ शायद मेरी बदकिस्मत रही कि उन्होंने उस मौका देने से मुझे इनकार किया। कहा आप खातून ने आपको बहुत सारी पोजीशंस मिलेंगी और बिल्कुल पहले भी दी, मैं उसके लिए शुक्रगुजार हूँ, तो आप तो किसी ना किसी जगह किसी कोटे में जरूर सामने आ जाएंगे। मैंने कहा नहीं जनाब, मैं आपसे माजरत चाहती हूँ, अब ये नहीं। अगर अब मुझे मौका देना है तो आवाम की खिदमत का मौका दीजिए। अपने लिए पोजीशन भी मैंने देख ली है, कुर्सी भी मैंने बहुत नजदीक से देखी। मुझे इन कुर्सियों का बहुत शौक नहीं है, मैंने अपने वालिद को देखा है, मैंने अपने वालिद को मिनिस्टर भी देखा, मैंने अपने वालिद को कुर्सी के बगैर भी देखा। मैंने उनके अच्छे और बुरे दिन देखे हैं। मैं जानती हूँ सियासी कारोबार जब चलता है उसमें आपको हर वक्त के लिए तैयार रहना पड़ता है। मैंने कहा मुझे उस चीज की परवाह नहीं है कि आप मेरी कुर्सी का इंतजाम करें, मैं अपने लोगों को अब नहीं छोड़ सकती। मैं आपसे माफी चाहती हूँ, मैं अपने लोगों को अब धोखा नहीं दे सकती, क्योंकि जब मैं अपने लोगों से पूंछ में बात करती थी तो ये मुझे हमेशा कहते थे आप उनके साथ कोई फैसला करके आइए ताकि यहाँ आके आप हमें बताइए। और इस बार जो है इस सियासी मैदान में लोकल इलेक्शन में असेंबली के आपको एक कैंडिडेट के तौर पे सामने आना पड़ेगा और हम सब लोग आपके साथ। तो शायद इसी वजह से मुझे ये बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला करना पड़ा। जाती तौर पे भी मेरे लिए ये एक बहुत ही जो मेरे दिल को जिसने दुखी किया वो फैसला था कि मैंने अपने आप को नेशनल कॉन्फ्रेंस जमात से जो है अलग कर दिया। मैंने मुनासिब ये समझा कि जमात को भी कोई धोखा नहीं देना, कि कल ऐसा वक्त ना आए जब ये मुझसे उम्मीद करे कि शायद जिस कैंडिडेट को भी ये सामने लाए उस कैंडिडेट की सपोर्ट में हम और हमारा ये कारवां हमारे साथ ही चल पड़े। मैं जानती थी वो अब मुनासिब नहीं और ना ही वैसे हालात है कि वो चीजें जो है किसी कामयाबी की तरफ जाएंगी। तो मैंने मुनासिब समझा कि पहले ही अपने आप को किनारा कर लिया जाए और मैं अपने आप को अपनी आवाम के, अपने साथियों की तरफ कर दूं और वो ये फैसला करे कि हमने कैसे चलना है आगे, किस राह पर चलना है। बहुत सारे हमारे मुखालफीन ने जब तक मैं पूंछ नहीं आई बहुत सारी अफवाहें उड़ाई, कभी कहा ये एक जमात में चली गई, कभी कहा ये दूसरी जमात में चली गई, कभी कहा वहां जा रहे हैं, कभी कहा तो इन्होंने तो ऐलान भी कर दिया। मैं आज आपके यहाँ इस मौके पे आने से उनको भी कहना चाहती हूँ, जनाब मैं उनमें से नहीं हूँ, मुझे उन घबराने वालों में से मत समझिए। अगर देखना है तो मेरा खून देखिए और मेरे पीछे जो है उनको देखिए, उन्होंने अपना सियासी सफर कहां से शुरू किया, हिम्मत कभी नहीं हारी, बहुत इलेक्शन लड़े, जीते भी वो हारे भी, लेकिन अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ा और ना ही लोगों ने अपने साथियों ने उनका एतमाद कभी कम किया। मैं उस मरहूम ख्वाजा गुलाम अहमद गनई की बेटी हूँ, मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ और जब भी मैं कोई मशवरा करूंगी और फैसला करूंगी मैं आप सबको एतमाद में लेके करूंगी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आप साथी मुझे सबसे बेहतरीन मशवरा देने वालों में से है। मेरे यहाँ आने से पहले मुझे मालूम है, मुझे साथियों ने बताया आपने दो मीटिंग्स की, एक पुंछ में और एक मंडी तहसील हेडक्वार्टर पे, और तमाम साथियों ने वहां यही बात कही कि हम
इस बेटी और बहन की हौसला अफजाई करते हैं और जो ये फैसला करेगी हम उस फैसले के साथ हैं। मैं आपके उस मशवरे को सलाम करती हूँ और आपको ये जरूर आज कहना चाहती हूँ अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, जब भी हमें कोई सियासी जमात का फैसला करना पड़ेगा, अगर आप ये समझेंगे कि हमें किसी सियासी जमात का दामन थाम के फिर आगे इस इलेक्शन में जाना है, तो जनाब यकीन जानिए मैं मरहूम गनाई साहब की बेटी हूँ, मैं वही फैसला करूंगी जो पुंछ की आवाम के लिए बेहतर फैसला होगा। मैं वही फैसला करूंगी जिससे हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल रोशन होगा। मैं वही फैसला करूंगी जिससे हमारी इन माओ बहनों की तंगी तकलीफ जो है वो दूर होगी इंशाल्लाह रहमान। मैं वो कोई फैसला नहीं करूंगी जिससे हमारा इलाका जो है आज तक जितना पीछे रहा और पीछे चलने को चल पड़ेगा। मैं वही फैसला करूंगी। और जो ये फैसला आइंदा लेने को जा रही है, आज भी हम ये स्टेज से कहते हैं कि हम सब उसी को हमने वोट देनी है, उसी को हमने जिताना है। जय हिंद जय भारत। मैं तमाम हजरात से गुजारिश करूं कि जो यहाँ